गुणत्व श्रेणी में n पदों के योगफल को हम s n से ड्रॉप करते हैं। s n इक्वल टू a इनटू r की पावर n माइनस वन अपॉन r माइनस वन। ये क्या है, r इज ग्रेटर देन वन। अगर r की वैल्यू बड़ी है एक से तो आप पहले r लिख लेंगे, r की पावर n माइनस वन अपॉन आर माइनस वन। इसी प्रकार सेकेंड वन माइनस आर की पावर है अपॉन वन माइनस आर। ये क्या है, आर छोटा है वन से तो क्या लिखेंगे, वन माइनस आर की पावर है अपॉन वन माइनस आर। थर्ड फॉर्मूला एन पदों अनंत से n n पदों का योगफल। अनंत जिस जगह आ जाता है तो उसको लिखते हैं हम s n n इक्वल टू s इनफिनिटी इक्वल टू ए अपॉन वन माइनस आर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, एक्सरसाइज 9.3। हम लिख सकते हैं 5 अपॉन 2
भी लिख सकते हो, उसकी वैल्यू 1 ही आएगी। इसको लिख सकते हैं 1 अपॉन 2 की पावर 19, जिसका बेस आधार समान होता है, गुणा करने पर घातांक जो भी आती है। अगर इसके ऊपर हम 1 लिखते हैं तो कोई परेशानी, 2 की पावर 1 इज इक्वल टू 2 ही आता है। ये हुआ 5 अपॉन 2 की पावर 20। दैट्स ऑल, बंद कर दिया। किसी गुरुत्व श्रेणी का पांचवा पद, आठवा पद तथा 11वां पद क्रमशः पी क्यू आर है, तो दिखाइए, सिद्ध कीजिए टू प्रूव दैट। क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू पी एस, ये आपको प्रूफ करके लाना है। इसमें जीपी में एक कंडीशन और है कि अगर ए बी सी आपका जीपी में है, किसमें है जीपी, तो क्या करते हैं, अगर संक्रांत रखी हो तो बीच वाली भुजा का वर्ग पहली और तीसरी भुजा के गुणनफल के बराबर होता है। तो ये क्या हुआ, ए बी सी जीपी में है तो बी स्क्वायर बराबर ए सी। अगर ये कहता है एबीसी समांतर श्रेणी में है तो बीच वाली भुजा का दूना पहली और तीसरी भुजा के योगफल के बराबर होता है। उसमें क्या होता है आपका 2b इज इक्वल टू a प्लस c, ये होता है आपका AP का प्रोसीजर। लेट जीपी का प्रथम पद ए तथा सार अनुपात, जिस जगह अनुपात आ जाएगा वो आपका जीपी होगी, सार अनुपात आ। टी एन फॉर्मूला है आपका, टी एन इज इक्वल टू ए इंटू आर की पावर एन माइनस वन। प्रश्नानुसार, प्रश्न के अनुसार पांचवा पद पी है, पांचवा पद इज इक्वल टू पी, इधर देखिए पी पी एन के साथ अंतिम पद हो गया पांचवा पद एन के स्थान पर क्या लिखेंगे आप, पांचवा पद। तो ये हुआ आपका पी इज इक्वल टू ए इंटू आर की पावर 5 माइनस 1, ये हो गया आपका ए इंटू आर की पावर 4। इक्वेशन फर्स्ट, आठवा पद क्यू, आप देखो ना क्यू भी किसके स्थान पर है आपका, पी एन के स्थान पर। क्यू इज इक्वल टू ए इंटू आर की पावर 8 माइनस 1, क्यू इज इक्वल टू ए आर की पावर 7। सेकेंड इक्वेशन, ग्यारहवां पद एस है, ग्यारहवां पद एस, इसको लिखेंगे हम एस इज इक्वल टू ए इंटू आर की पावर 11 माइनस 1, ए आर की पावर 10। ये कौन सा इक्वेशन बन गया आपका, थर्ड। Q square, देखो Q किस में आ रहा है, सेकंड में आ रहा है, सेकंड में दो है। अगर हमको Q square लाना है, इक्वेशन सेकंड, स्क्वेयरिंग बोथ साइड, समीकरण दो के
दोनों पक्षों का वर्ग करने वा। इक्वेशन सेकेंड, स्क्वेयरिंग बोथ साइड, स्क्वेयर बोथ साइड दोनों पक्षों का वर्ग, समीकरण एक के दोनों पक्षों का वर्ग करने का, ये हुआ हमारा क्यू स्क्वेयर इज इक्वल टू ए आर की पावर 7। इसको हम लिख सकते हैं ए स्क्वेयर इंटू आर की पावर 14, लिख सकते हैं। अब हम इनको अलग अलग करेंगे 10, 50, 16। अब तक उसमें ये देखेंगे बेटा ए और हमने ए की गुणा की तो कितना होता है ए स्क्वायर, मगर हमें एच की भी जरूरत है और हमें पी की भी जरूरत है, तो इसको लिख सकते हैं ए इंटू आर की पावर 4 इंटू ए इंटू आर की पावर 10। अब इनको सबका मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आएगा, ये क्यों थोड़ा है ए आर की पावर 10 इक्वेशन का ए आर, ए आर की फ्रॉम फर्स्ट एंड थर्ड, फर्स्ट एंड थर्ड क्यू स्क्वेयर इज इक्वल टू ए आर की पावर 4 को लिखेंगे पी इंटू ए आर की पावर 10 को लिखेंगे एस, क्यू स्क्वेयर बराबर पी एस, यही हमें सिद्ध करना है। अनुक्रम का कौन सा पद पद पूछा है इसमें, ले पदों की संख्या, एन मान लिया पद पूछे हैं, श्रेणी दे रखी है 2.2√2 2.2√2.4 एंड सो ऑन 1, 2, 8 श्रेणी है 2.2√2.4 एंड सो ऑन 128 लास्ट पद है क्या है, इसको आप TN भी लिख सकते हैं, इसको आप N भी लिख सकते हैं, A और R को आप यहां से निकाल देंगे, तो इसमें N को कहीं नहीं रखा, अंतिम पद है तो आपको ज्ञात करना है वैल्यू ऑफ N। ले GP का प्रथम पद ए तथा सारवान अनुपात आर ए इज इक्वल टू टू, आर इज इक्वल टू सेकेंड अपॉन फर्स्ट। बेटा उसमें क्या करते थे हम, एपी में सेकंड में से फर्स्ट को घटा देते, इसमें क्या करते हैं सेकंड अपॉन फर्स्ट, ये हुआ आपका रूट टू। अंतिम पद एन इज इक्वल टू दे रखा है 128, एन इज इक्वल टू ए इंटू आर की पावर एन माइनस 1, 128 इज इक्वल टू ए की वैल्यू कितनी है आपकी 2 इंटू आर, आर की वैल्यू है रूट में 2 की पावर एन माइनस 1। इसको आप इस प्रकार भी लिख सकते हैं 64 इज इक्वल टू
इक्वल टू अदर को बेटा, इसको हम लिख सकते हैं टू की पावर एन माइनस एन बाय टू लिख सकते हैं। अच्छा एन टू की पावर एन बाय टू माइनस वन बाय, हम 64 को ही टू के उसमें तोड़ेंगे, टू की पावर सिक्स इज इक्वल टू टू की पावर एन बाय टू बटे टू की पावर वन बाय टू लिख सकते हो भाई। इसको आप नीचे भी चला सकते हो, या अगर आप यही से करना चाहो जैसे मैंने तो समझाने में कर दिया, चाहे तो ये दोनों के बराबर आ जाएगी बराबर आपको, ठीक है। कैसे कर लो जैसे आपकी इच्छा, इसको आप इस प्रकार लिख सकते हैं टू की पावर एन माइनस वन बाई टू, और ये क्या हो गया आपका टू की पावर टू की पावर सिक्स हो गया, इसको टू की पावर एन माइनस वन अपॉन टू सिक्स इज इक्वल टू एन माइनस वन अपॉन टू ट्वेल्व इज इक्वल टू एन माइनस वन ट्वेल्व प्लस वन इज इक्वल टू एन एन इज इक्वल टू थर्टी।